हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसमें हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शुरू कर रखा था और इसमें हम अब लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं दैट इज़ की तो हमने जोलॉजिकल पार्क पढ़ लिए थे बोटैनिकल गार्डन पढ़ लिया था हर्बेरियम भी पढ़ लिया था सो दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का दैट इज़ की तो अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है एक तो की क्या होती है ठीक है इसकी टाइप्स क्या क्या हैं टाइप्स के बाद हमें एक टेबल की फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करनी है कि हमें कैसे टेबल ड्रॉ करना होता है ठीक है तो अब देख लेते हैं की क्या होती है ठीक है वी शुड बी अवेयर की क्या होती है तो इसका जो मेन रोल है वो है आइडेंटिफिकेशन का किस चीज़ का है आइडेंटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल आपको कोई न्यू स्पीशीज मिल जाती है कोई भी चीज़ है चाहे आपका प्लांट है कोई भी एनिमल है बट स्पीशीज मस्ट बी न्यू तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है तो वो फीचर हमने कहाँ पढ़ने हैं अंडर की ठीक है और फिर हमारे पास दो स्पीशीज़ होती हैं एक होती है एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से फाइंड आउट है और उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और जो दूसरी स्पीशीज़ अभी हमें मिली न्यू वन तो अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ठीक है हम पहले एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के कैरेक्टर देख लेंगे ठीक है फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे कि न्यू स्पीशीज़ में वो हैं वो नहीं है एबसेंट है या कोई नया ही करेक्टर उसमें अवेलेबल है तो हम बहुत सिमिलैरिटी भी देखेंगे डिसिमिलैरिटी भी देखेंगे तो ये हो गया आपका की 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 पर्टिकुलर डेफिनेशन उसके बाद ये एनालिटिकल होती है नेचर में अब जब भी ना आप की के टेबल ड्रॉ करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है तो उन कैरेक्टर्स को नंबर दिया गया होता है तो दे विल बी अरेंज्ड इन वन टू थ्री फिर कुछ ब्रैकेट्स में होंगे इस तरह से तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एनालिटिकल क्योंकि हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे क्या है नंबर असाइन है ठीक है हर एक कैरेक्टर को अलग अलग नंबर असाइन है देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का एक पेयर होता है अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई न्यू न्यूज स्पीशीज़ मिली उसमें एक कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव है और एक कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव है पर दोनों कैरेक्टर कम्स अंडर वन पेयर ठीक है तो ये दोनों किसमें आते हैं वन पेयर ठीक है एक ही पेयर के अंदर आते हैं तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग बेसिकली हुआ क्या जो कैरेक्टर ऐसे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं क्वाइट ऑपोजिट ठीक है सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसको हम कपलेट भी बोलते हैं अब एक आगे मैंने एक एग्जाम्पल ऐड करा है उसमें आपको कपलेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा उसके बाद आता है कि इसमें कैसा टेबल ड्रॉ करते हैं हम दैट इज द डाइकोटॉमिक टेबल ठीक है डाइकोटॉमिक टेबल कैसा होता है वो लास्ट में हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो उसमें आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगी कि हाउ टू ड्रॉ दिस डाइकोटॉमिक टेबल फिर उसके बाद लास्ट में बोलता वन कैरेक्टर चूज इन वाइल अदर विल बी रिजेक्टेड ठीक है जो मैच कर जाएंगे कैरेक्टर उसको हम चूज कर लेंगे बाकियों को हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे फिर बोलता कि सेपरेट की यूज होती है हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है किंगडम है ठीक है किंगडम के बाद क्या है फाइलम होगा अगर एनिमल मिला है और अगर डिवीज़न लिखा है तो मतलब हमें क्या मिला है प्लांट ठीक है फिर उसके बाद क्लास भी हो सकती है क्लास के बाद ऑर्डर भी हो सकता है ठीक है सो एनी कैन बी एनी थिंग कैन बी देयर तो हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए क्या है हमारे पास सेपरेट की है ठीक है सो so यही बोला है लास्ट वाली स्टेटमेंट की सेपरेट uh, की यूज़ होती है हर एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में ठीक है तो अब किस तरह से यूज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल कर लेते हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि टू कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर दो कैरेक्टर हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं ऑपोजिट हैं पर एक ही पेयर के अंडर हैं ठीक है थीके? तो उसको क्या बोलते हैं हम कपलेट मतलब वो जो पेयर है ना पेयर उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं एक तरह से कपलेट अब हर एक कपलेट में स्टेटमेंट्स होंगी ठीक है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री इस तरह से स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू तो हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलूँगी मैं लीड क्या बोलूँगी लीड तो जो तो पेयर है पेयर को तो मैंने बोल दिया कपलेट पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने क्या बोला लीड ठीक है इस तरह से इसको आप याद रख लो और हर एक स्टेटमेंट में क्या होगा हर एक पेयर के अंदर या तो कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो कोई फॉल्स होगी जब हम कंपेयर करेंगे चीजों को उसके बाद आ जाओ दो टाइप्स की की होती है कौन कौन सी एक होती है आपकी इंडेंटेड की एक होती है आपकी ब्रैकेटेड की ठीक है तो अब इंडेंटेड की में देख लेते हैं पहले की क्या होता है अब ब्रैकेटेड की से तो पता लग रहा है आपको कि क्या होगा वहां पे ब्रैकेट्स होंगे जब भी कोई नंबर लिखेंगे वन कोई भी नंबर लिखा टू तो उसको किसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर यूज़ कैसे करना है ब्रैकेटेड की को पता कैसे चलेगा कौन सी ब्रैकेटेड की है कौन सी आपकी इंडेंटेड की है वो भी एग्जाम्पल करेंगे हम एक डिटेल एग्जाम्पल है उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो बोलते हैं कि जो इंडेंटेड की है ना इसमें आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट होगी ये आपकी मान लो मेन स्टेटमेंट है इसके अंडर फिर दो स्टेटमेंट आ गई फिर इनके अंदर फर्दर दो स्टेटमेंट्स आ गई सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट ऑल द कीज़ ठीक है उसके बाद आपको क्या देखना है ब्रैकेटेड की अब ब्रैकेटेड की क्या होता है इसको ना शॉर्टकट में लिखा होता है कैसे शॉर्टकट से याद रख लो इसको शॉर्टकट की कैसे कि जो भी नंबर इंडेंटेड की का होएगा ना अगर इसमें मुझे कोई कैरेक्टर बताना है तो मुझे बस इंडेंटेड की का नंबर लिखना है वन वन ही कैरेक्टर है तो आगे भी वन टू कैरेक्टर है तो टू चलो अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं सो हेयर इज योर एग्जाम्पल हम छह ऑर्गेनिज़म्स लेके चलेंगे और कैसे उसको हमने इंडेंटेड की और अपने ब्रैकेटेड की मैं रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंट करा हुआ है यहाँ पे ठीक है इसका भी आप स्क्रीनशॉट शॉट लिख सकते हो यहाँ पे एबसेंट नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक प्रेजेंट कर लेना है यहाँ पर ठीक है तो इसको मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो जो भी मैंने ऑर्गेनिज़म लिए हैं मैं उसी की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करूँगी सो आपको क्या करना है मैंने ले लिए कितने ऑर्गेनिज़म सिक्स कौन कौन से लिए एक ले लिया कैट एक ले लिया बैट एक ले ली मैंने फिश फिश के बाद मैंने ले लिया एक फ्रॉग फ्रॉग के बाद मैंने एक ले लिया बर्ड बर्ड के बाद मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया दैट इज स्नेक ठीक है तो ये आपके कितने ऑर्गेनिज्म हो गए हैं टोटल सिक्स अब मुझे इनको प्लेस करना है किस में डाइकोटोमी टेबल में डाइकोटोमी टेबल में क्या चीज़ें आती है आपकी एक तरफ आएगी आपकी इंडेंटेड की ठीक है इंडेंटेड की के बाद एक तरफ क्या आ जाएगी आपकी दैट इज ब्रैकेटेड की और राइट सो अब इंडेंटेड की में मुझे क्या चाहिए कैरेक्टर्स सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कौन से ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे लिए ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऊपर दे रखे वो कौन से हैं आपके हैं वर्टी ब्रेड ठीक है ये सारे कैसे हैं आपके वर्टी ब्रेड अब मैंने कैरेक्टर लेने हैं कि मैं ऐसा क्या कैरेक्टर लूं जिसकी मैं फर्दर सब हैडिंग्स बना सकूं तो मैंने एक कैरेक्टर ले लिया कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट क्या लिया दैट एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट ठीक है अब आपको देखना है कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बोला फिर मैंने इसकी ना फर्दर स्टेटमेंट्स ले ली तो फर्दर स्टेटमेंट में मैंने बोला कि एक में क्या विंग्स जो हैं वो दे आर प्रेजेंट ठीक है तो विंग्स प्रेजेंट हैं या विंग्स क्या हो सकते हैं दे कैन बी एबसेंट ठीक है तो या तो विंग्स प्रेजेंट हैं या तो विंग्स एपसेंट है अब आपको क्या करना है इन सिक्स ऑर्गेनिज्म में में देखना है किस किस विंग्स विंग्स प्रेजेंट हैं और साथ में ये वाली कंडीशन भी वो फुलफिल करे जो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बोला है यहाँ पे ठीक है तो मैंने देखा कैट में विंग्स एबसेंट हैं बट ईयर प्रेजेंट है तो मैंने इसको ले लिया विंग्स एबसेंट वाली कैटेगरी में तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कैट और विंग्स प्रेजेंट वाली कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा आपका जिसमें ईयर भी प्रेजेंट है दैट इज योर बैट तो इस तरह से आपके दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं ठीक है थेके? तो आप इन दोनों को भूल अब भूल जाओ नाउ कम्स टू द नेक्स्ट कैरेक्टर अभी या तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है फिर मैं ले सकती हूँ कि अगर एक्सटर्नल ईयर ही एब्सेंट हो ठीक है तो मैंने एक कैरेक्टर क्या ले लिया अपना अगला दैट इज एक्सटर्नल ईयर क्या है एबसेंट ठीक है अब एक्सटर्नल ईयर अगर एबसेंट है तो उसके अंडर भी मैंने क्या दो कैटेगरी ली कि विंग्स या तो प्रेजेंट विंग्स प्रेजेंट या विंग्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे एब्सेंट ठीक है तो आपको क्या करना है अब ऐसी कैटेगरी ढूंढनी है इन चार ऑर्गेनिज्म में जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स बचे हैं जिनमें ईयर एब्सेंट होना चाहिए पर विंग्स प्रेजेंट है तो देखो ऊपर कौन सी कैटेगरी है जिसमें ये अवेलेबल है चीज तो जिसमें एक्सटर्नल ईयर एबसेंट है और विंग्स प्रेजेंट हैं तो आपके जैसे बर्ड्स आ गए ठीक है विंग्स तो प्रेजेंट है बट एक्सटर्नल ईयर एबसेंट है ठीक है अब आपको ऐसी कैटेगरी देखनी है जिसमें एक्सटर्नल ईयर एबसेंट है और विंग्स भी एबसेंट है तो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी आपकी तो इसमें मैं क्या करूँगी मैं पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी कि ठीक है विंग्स जो हैं आपके एबसेंट हैं तो उसमें मैं दो कैटेगरीज और ले लूँगी विंग्स एबसेंट में ही कि लेम्ब या तो प्रेजेंट है लेम्ब ठीक है या तो लिम्ब जो है वो एबसेंट है ठीक है तो लिम प्रेजेंट में कौन सी सिचुएशन आ जाएगी कौन सा ऑर्गेनिज्म फिट बैठ रहा है जिसमें विंग्स भी एबसेंट हैं और साथ में लिम्स प्रेजेंट हैं तो आपका आ जाएगा फ्रॉग तो आप फ्रॉग को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो तो यहाँ पे क्या आ गया आपका फ्रॉग ठीक है उसके बाद आपके पास एक सिचुएशन आ गई जिसमें लिम्स एबसेंट हैं तो मैंने लिम्स एबसेंट वाले में भी दो कैटेगरीज बना दी दो कैटेगरीज मैंने कैसे बनाई कि गिल्स या तो प्रेजेंट हैं, गिल्स प्रेजेंट हैं या गिल्स क्या है एबसेंट है ठीक तो है तो गिल्स में किसमें प्रेजेंट है दैट इज इन योर फिश ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका फिश और गिल्स किसमें में एबसेंट है एब्सेंट हो जाएंगे आपके स्नेक में तो इस तरह से आपने इंडेंटेड की में इसको पूरी तरह से अरेंज कर दिया अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है ये जो बैट है ना इसके कैरेक्टर लिखो ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंटेड की तो बैट के क्या क्या कैरेक्टर आ गए दो कैरेक्टर आ गए एक तो क्या एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और साथ में क्या आ गया एक कि विंग्स भी क्या हैं प्रेजेंट तो विंग्स भी क्या हैं प्रेजेंट तो इस तरह से लिखना होता है हमें अंडर द इंडेंटेड uh, की अब मैं जैसे आपको एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ कि बाकियों के कैरेक्टर कैसे आपको राइट डाउन करने हैं जैसे मान लो अब बैट का तो हो गया ना बैट का पता लग गया होगा आई होप आपको तो उसके बाद आता है मेरे पास दैट इज आपका सेकेंड कैट के कैरेक्टर देख लेते हैं कैट ठीक है कैट के क्या क्या कैरेक्टर आ जाएंगे एक तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है बट विंग्स क्या हैं एबसेंट एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बट विंग्स क्या हैं एबसेंट ठीक है तो ये आपके आगे कैट के करेक्टरिस्टिक्स उसके बाद मुझे बर्ड्स के लिखने हैं तो बर्ड्स के कैसे लिखूंगी मैं बर्ड्स के लिख दूंगी कि ठीक है यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में बर्ड्स बर्ड्स में क्या क्या हुआ आपके एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट और विंग्स प्रेजेंट तो इसमें क्या आ गया एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट विंग्स प्रेजेंट ठीक है तो इस तरह से आप कैरेक्टर को लिख सकते हो हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर जो है आप बाकियों के भी आप ट्राई करना जैसे यहाँ पे आपका फ्रॉग है तो फ्रॉग में क्या होगा विंग्स एबसेंट हैं पर लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट है ठीक है सो इस तरह से आप इनको राइट डाउन कर सकते हो ठीक है तो आपकी होगी आप इंडेंटेड की अब नेक्स्ट कर लेते हैं दैट इज योर ब्रैकेटेड की अब ये है आपकी ब्रेकेटेड की अब ब्रैकेट की कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन हमने क्या ले लिया कैरेक्टर ले लिया वर्टिब्रेट ले लिया अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और दूसरा कैरेक्टर भी सेम ही था ईयर के ऊपर ही था इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एक्सटर्नल ईयर एबसेंट अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है इसको ठीक है तो तभी इसको क्या बोला ब्रैकेटेड की तो अब मैंने लिखा कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और गो टू द पॉइंट नंबर टू तो आपको क्या करना है पे 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 जाना है 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 तो यहां पे इसकी सब classification आ जाएगी That is the wings present, wings absent, जो कि भी मैंने लिए थे ठीक है? फिर आपको क्या करना है? लिख दिया आपने बैट और कैट फिर उसके बाद क्या आएगा आपका दैट इज क्लासिफिकेशन जो कि क्या थी एक्सटर्नल ईयर एबसेंट तो मैंने लिखा गो टू द पॉइंट नंबर थ्री तो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट नंबर थ्री तो विंग्स एबसेंट गो टू नंबर फोर मैंने उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया था इन टू लिम्स तो मैं गई गो टू द पॉइंट नंबर फोर फोर्थ पॉइंट पे चली गई तो प्रेकेटेड so, की में कुछ नहीं होता बस एक एड्रेस मिल जाता है आपको ठीक है एड्रेस मिल जाता है कि आपको कहाँ पे अपना कैरेक्टर जो है वो ढूंढना है ठीक है अब जैसे ईयर वाला था ठीक है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर ट तो मैंने इसको वन ही नंबर दिया क्यों क्योंकि बात ईयर तो की हो रही है ना वेदर इट इज एपसेंट और प्रेजेंट वो तो अलग बात है बट बात किसकी हो रही है जैसे इस कैरेक्टर में देख लो यहाँ पे बैट्स के लिए लिया है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट विंग्स प्रेजेंट फिर कैट के लिए लिया एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बट विंग्स एबसेंट है फिर फ्रॉग बर्ड्स के लिए ले लिया की एक्सटर्नल ईयर एबसेंट और विंग्स

एनिमल्स के लिए भी ठीक है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा कैरेक्टर हमें फर्स्ट लेना है कौन सा कैरेक्टर हमें सेकेंड लेना है ठीक है तो उस तरह से आपको इसको प्रोसीड करना है और ट्राई करना जहाँ पे मैंने ये आपको समझाया पूरा आप भी मेरे साथ लिखना जैसे मैंने कैट लिखा स्नेक लिखा तो आप भी एक सीक्वेंस में लिखना उसको मेरे साथ तो आपको इजीली समझ आएगा फिर मैंने एक्सटर्नल ईयर लिए पहले एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो सकते हैं फिर मैंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें विंग्स भी हैं तो मैंने विंग्स एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ले ली फिर विंग्स देखा एबसेंट भी हैं तो उस तरह से फिर मेरे पास एक फ़िश भी थी तो मैंने क्या किया है गिल्स वाला कैरेक्टर बना लिया बिकॉज गिल्स किस में प्रेजेंट थे आपके फ़िश में तो इस तरह से आप कंपेयर करके चल सकते हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर की और की के साथ साथ आपका जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है अब हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बट उससे पहले आपको मिलेंगे एम से ठीक है इस चैप्टर के जितने भी एम सी क्यूज़ बनेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और योर बोर्ड परस्पेक्टिव तो मैं सारे आपको एम सी क्यूज़ प्रोवाइड करूँगी टिल देन वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहो टिल देन बाय टेक केयर एंड थैंक यू